आज की रेसिपी है चीज़ पोटैटो ब्रेड रोल, सिंपल एंड इजी, जिसमें हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। देखिए चीज़ भी पूरी तरह से अंदर से मेल्ट हो चुका है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही यम्मी। चलो फ्रेंड्स आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 आलू उबालकर, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 अनियन, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। इसके साथ मैंने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है कोरिएंडर लीव्स, और साथ में इन सारे मिक्सचर को आपको मिक्स करना है। आप पोटैटो स्मैशर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ क्यूब लिया है और दोनों को अच्छे से ग्रेट करना है। हमारा जो स्टफिंग रेडी है, ये स्टफिंग आपको रोल करना है, और रोल कर आपको इस तरह से आपके चीज़ को इस तरह से स्टफिंग करना है हमारे मिक्सचर के अंदर। और आप ज़्यादा चीज़ पसंद करते हो तो आप ज़्यादा चीज़ लगा करके आप इसको रोल बना सकते हैं। देखिए पहले मैंने मिक्सचर लिया है, फिर इसको रोल बनाया, फिर इसके अंदर आपको चीज़ का स्टफिंग करके रोल बनाना है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए मेरे पूरा मिक्सचर रेडी हो चुका है, सारे मिक्सचर का मैंने रोल बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है वाइट ब्रेड, और इसके एजेस आपको कट कर लेना है। आप ब्राउन ब्रेड ना यूज़ कीजिए इसके लिए। यहाँ पर पानी लिया है, और यहाँ पर मैंने ब्रेड को डिप करके क्वीज करके लेना है, अपने दोनों हाथों से दोनों हथेलियों में रख कर क्वीज करना है। जो भी एक्सेस वाटर है वो सब रिमूव करना है। इस तरह से आपको स्टफिंग प्लेस कर और आपको अच्छे से रोल बनाना है। पूरी तरह से अच्छे से रोल बना दीजिए, और जो भी एक्सेस वाटर होगा उसको अच्छे से क्वीज करना है। अगर आप क्वीज नहीं करोगे तो आपका रोल ज़्यादा ऑयल अब्सॉर्ब करेगा, तो क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से मैंने सारे रोल्स आपको रेडी कर लिया है, और ये सारे रोल्स को आप 10 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए। देखिए मेरा रोल्स तो रेडी हो चुका है, 10 मिनट के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने साइड में पैन गरम कर लिया है, जिसमें मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर मेरा तेल भी गरम हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड रोल्स ऐड किया है और डीप फ्राई करने के लिए। अब मुझे यहाँ पर गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो जाए अच्छे से डीप फ्राई करना है दोनों साइड से, और आराम से पलट कर डीप फ्राई कीजिए, और मीडियम फ्लेम ही रखिए, हाई फ्लेम पे मत कीजिए, क्योंकि हाई फ्लेम से आपका तो ब्रेड क्रिस्पी तो हो जाएगा लेकिन अंदर चीज़ में मेल्ट होना चाहिए। तो इसीलिए हम मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कीजिए, और हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हो चुके हैं। इसे सर्व कीजिए टमाटो केचप के साथ, और या फिर आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी रेसिपी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।